हेलो एवरीवन, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए मेकअप आपकी स्किन टोन के अनुसार ही होना चाहिए। अगर किसी की त्वचा सांवली है तब भी मेकअप में सही रंगों के चुनाव से आकर्षक दिखा जा सकता है। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि सांवली स्किन टोन पर किस तरह का मेकअप करना चाहिए, यानी किस शेड का फाउंडेशन, आई मेकअप, मस्कारा, ब्लशर, लिपस्टिक लगाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता देती हूँ, जानते हैं डस्टी स्किन टोन के लिए ब्राइट कलर्स में से मस्टर्ड सबसे बेस्ट है। इसे पहनने के बाद आपका चेहरा भी ग्लो करने लगता है। अगर आपको लगता है कि ये रंग बहुत चमकीला है, आप पर अच्छा नहीं लगेगा, तो आप गलत हैं। गुलाबी रंग से आप अपने फैशन में एक ऐसा आउटफिट शामिल कर सकती हैं जो आप पर खूब जचेगा। तो चलिए जानते हैं हमारी एक्सपर्ट से। मेकअप अपने आप में एक अद्भुत कला होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारे सामने जो मॉडल है, इनकी स्किन थोड़ी डस्की है और डस्की स्किन आजकल वैसे भी इन है। पहले हम कहते थे गोरी सुंदर त्वचा पर ही मेकअप अच्छा लगता है। डस्की स्किन पे जो हमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमें काम फीचर्स पे ज्यादा करना है। सबसे पहले हम इनके आईब्रोज को हाईलाइट करेंगे। प्रियो मॉडल के आईब्रोज यहाँ से थोड़े छोटे थे और हमने इसे बड़ा किया है। अगर हम आईब्रोज को थोड़ा क्लोज करते हैं, क्लोज करने से जो नोज की शेप है, आप ये बोन देख रहे हो, ये जो बोन है ये और शार्प हो जाती है। अगर इसका गैप ज्यादा होगा तो नोज शार्प नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आईब्रोज भी मेकअप में उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आईज में जब हम स्पेशली डस्की स्किन पे काम करते हैं तो हमें आईज के कलर को पहले कंसील करना होता है। पूरी आईज के ऊपर मैं एक पिंक और येलो टोन मिक्स करके, आपके जब कॉम्प्लेक्शन डस्की है तो इसका मतलब है आपके स्किन में बेसिक कलर में ब्लू शेड का ज्यादा होना, तो हमने कुछ ऐसा शेड कम यूज करने हैं जिसमें ब्लू टच ज्यादा ना हो। आईज के नीचे जो डार्क सर्कल थे उन्हें भी हमने एक पिंक और येलो टोन लेके कंसील कर दिया। स्मोकी मेकअप के लिए सबसे पहले लिक्विड फॉर्म का एक डार्क कलर लिया जिसे मैंने आंखों के ऊपर लगाना शुरू किया। डस्की स्किन पे सबसे ज्यादा जो बेस के लिए ध्यान रखना होता है हमें, उसमें हमारे कलर पिंक और येलो टोन के होने चाहिए। जैसे कि ड्रेस के हिसाब से देख रहे हैं, मैं हल्का सा ग्रे और पर्पल कलर ऐड करूंगी। हल्का सा पर्पल शेड लिया हमने, जो हमारा ब्लैक था, एक लाइन देते हुए, इसे मेकअप की लैंग्वेज में क्रीज कट कहते हैं, कॉर्नर से आंखों के अंदर वाली तरफ हमने एक ब्लैक लाइन दी। लाइट शेड का हाइलाइटर, गोल्डन और पर्ल गोल्ड को मिक्स करते हुए आईलाइनर लगाया। अब हम लगाएंगे काजल। जेल लाइनर से हम काजल भी और आईलाइनर भी लगा सकते हैं ताकि आईज थोड़ी और उभर के आए। मस्कारा, ग्लिटर ग्लू है जिससे हम आईज के ऊपर ग्लिटर को चिपका सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा बेस। जो भी एक्स्ट्रा मेकअप है उसे हम कभी ग्लिटर या कुछ, तो ये होता है एक फैन ब्रश, जिस फैन ब्रश से हम इसे हटा सकते हैं। सबसे पहले हम चीक्स पर लगा के छोड़ेंगे, उसके बाद नोज, देन लिप्स एंड देन चिन। इसके बाद लगाएंगे ब्लशर, कान से लिप्स की तरफ शेडिंग देते हुए। रेड एंड पीच टोन्स, पिंक टोन से ज्यादा डस्की स्किन पर वर्क करती हैं। इनकी ड्रेस के हिसाब से डस्की स्किन पे, अगर आप स्मोकी मेकअप नहीं कर रहे हो, आप न्यूड मेकअप कर रहे हो, तो लाइट लिपस्टिक दे सकते हो। लेकिन अगर आप स्मोकी मेकअप कर रहे हो और फीचर्स पर काम कर रहे हो, तब आपको लिपस्टिक कुछ बोल्ड शेड में देनी है। डस्की स्किन पे काम करते हुए आप हमेशा लाइट की तरह मत सोचो कि कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो हमने लाइट शेड्स में काम करना है। इनके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करते हुए रेड और हल्का सा पिंक पर्पल मिक्स करते हुए जो मैंने इन्हें लिपस्टिक लगाई है। अगर आपका स्किन टोन थोड़ा डस्की है और हर कलर के कपड़े पहनते हुए आप हिचकिचाते हैं, तो आज डिजाइनर आलिया जी हमारे साथ है, वो हमें बताएंगी कि डस्की कॉम्प्लेक्शन अगर है तो आलिया जी किस तरह के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं थोड़ा सांवले रंग में? समथिंग लाइक दिस I would suggest. See, this is pastel, but it's a pastel nice blue color. तो इसके साथ combination of grey. तो ये अलग ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, तो डस्की टोन्स को बहुत ही एनहेंस करेगा और अच्छा लगेगा। शी कैन ट्राई दीज कलर्स, दिस पीच कलर,
पीच बहुत अच्छा है, बट मैं एक और चीज सजेशन करूंगी, आजकल ट्रेंड में है वेस्टर्न फैब्रिक बट इंडियन कट्स, कट्स इंडियन लो और फैब्रिक वेस्टर्न लो एंड सब कुछ फ्यूजन करो। और ये पेस्टल आप देख रहे हो, इट्स अ नाइस पेस्टल पीच, वेरी लाइटिश कलर, ये भी डस्की टोन को मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी, ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा एंड लाइक ओकेजन लाइक रिसेप्शन और अ कॉकटेल पार्टी और अ पूल पार्टी, समथिंग गोज विद दिस। नेवी ब्लू बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन एंड बहुत ही अच्छा कलर चूजिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्यूजन किया नेवी ब्लू स्कर्ट डाउन में एंड स्किन के पास वेयर स्किन शोज, तो द टॉप इज क्रॉप टॉप, आई हैव गिवन गोल्डन एंड इन अ नाइस गोल्डन एंटी गोल्डन इट इज, तो दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो गोज। आई वुड सजेस्ट ट्राई समथिंग न्यू, नेवी ब्लू विद गोल्डन कॉम्बिनेशन लाइक दिस। दिस इज अ रेडिश वाइन टोन, वाइन कलर डेफिनेटली सूट करेगा, अगर आपको ब्राइट में जाना है ट्राई समथिंग लाइक दिस। इसमें भी मैंने थोड़ा सा ये कॉकटेल लुक है, दिस इज अ पूल पार्टी लुक, यू कैन से पार्टी वेयर, और ये वेस्टर्न फैब्रिक में लिटिल बिट ऑफ स्किन शोइंग ऑफ शोल्डर दिया है, तो दिस विल लुक नाइस क्योंकि स्किन थोड़ा दिखाओ एंड टेक अ डार्कर टोन एंड प्लेन पेस्टल पीच कलर है। अगेन इधर छोटा सा कट है, इट्स वेरी नाइस थिन कट सिंपल, एंड आई शो यू बैक ऑल्सो हाउ डिटेल वर्क वी हैव गिवन। सी डिटेल बैक है, नेट है बट इट्स अ कवरिंग नेट, तो स्किन शो भी नहीं करेगा और नाइस डिटेल में कट होगा, तो इट्स लुक ग्लैमरस ऑल्सो एंड डेफिनेटली दे कैन वेयर कट्स। इट्स अ डार्क नेवी ब्लू बट अगेन मैंने इसको एम्बेलिशमेंट किया है पीच कलर से, लाइट कलर से, तो नेवी ब्लू अगर आप प्लेन लोगे तो डेफिनेटली नहीं अच्छा लगेगा, बट अगर आप उसको एनहेंस करते हो कोई लाइट कलर से लाइक पेस्टल पीच कलर, दुपट्टे में हमने कॉन्ट्रास्ट दे दिया पीच कलर, तो ये इससे डेफिनेटली वो एक कॉन्ट्रास्ट जो बनता है ना वो डस्की टोन को एनहेंस करेगा। आपको बता देती हूँ, सांवली त्वचा पर डार्क व हल्के डार्क रंग की लिपस्टिक अच्छी लगती है, जैसे चॉकलेट ब्राउन, ब्राउनिश, बहुत लाइट कलर जैसे पिंक या ऑरेंज शेड की लिपस्टिक लगाने से आप बचे। तो आप आज अच्छे से जान गए होंगे डस्की फेस के लिए कौन से कलर का ड्रेसअप और मेकअप होना चाहिए, और ऐसी ही वीडियोज को हमेशा देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।